A'udhu billahi minash shaitaan rajeem, bismillahir rahman rahim. Today's lecture outline is product of vectors, scalar product, vector product, torque or moment of force, torque due to force acting on a rigid body, moment of couple, equilibrium, types of equilibrium, concurrent forces and condition of equilibrium. Now student, moving towards our first topic, which is product of vectors. इससे पहले हमने vectors के कुछ properties जो हमने study की थी, उनमें हमारे पास addition of vector था, जो कि head to tail rule और rectangular component method के through था. उसके अलावा multiplication of vector था with some scalar quantity and subtraction of vector था, यानी दो vectors को आपस में अगर subtract किया जाए तो उनका result क्या होगा. Now if we are going to talk about product of vectors, it means that the product of two vectors. When a vector is multiplied by another vector, two different results are obtained depending upon the physical nature of given vector. यानी दो vectors को अगर आप multiply करते हैं तो इसका result दो तरह का आता है जो कि nature of physical quantity पे depend करता है. First, scalar product or dot product. Second, vector product or cross product. For dot product, if the product of two vectors result into a scalar quantity is called scalar product. For example, work, which is equals to force multiplied by displacement, power, force multiplied by velocity. And for vector product, if the product of two vectors result into a vector quantity, for example, torque, force into moment arm. अगर आपके पास दो vectors की multiplication एक vector quantity आ रही है, जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं. अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ रही है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं. नाउ स्केलर प्रोडक्ट, व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिजल्ट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. यानी कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट हो रही हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी. ड्यू टू दिस डॉट ऑपरेटर इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. नाउ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव एन स्केलर क्वांटिटी और अ क्वांटिटी which don't have any direction, then this type of product is known as scalar product or dot product. Now, if we talk about the product of two vectors and its result will be a scalar quantity, then we can see that here we have product of two vectors. One vector is B and other is A. The projection of vector B is lie on vector A. यानी कि अगर हम इस B वेक्टर को देखें, जो कि 45 डिग्री के एंगल के साथ A वेक्टर के ऊपर लाए कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन यानी कि इसका साया आपके पास नजर आ रहा है A वेक्टर के ऊपर लाए करता हुआ. यानी कि हम इसको इन अदर वर्ड्स, जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि B वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि B cos थीटा होता है, वो लाए कर रहा है वेक्टर ए के ऊपर. यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए डॉट बी विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इसी चीज को देखते हुए अगर हम इसकी डेफिनेशन को बयान करें, तो बाय द डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए. यानी कि b cos थीटा आपके पास वो प्रोजेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो a के ऊपर लाए कर रहा है b वेक्टर का. सिमिलरली b dot a is equals to b a cos थीटा, यानी कि a cos थीटा equals to the projection of a onto b. और अगर इसी चीज को मैं a के लिहाज से देखूं, तो a का प्रोजेक्शन जो b वेक्टर के ऊपर लाए करेगा, यानी a का साया जो b वेक्टर के ऊपर आ रहा है, वो आपके पास a cos थीटा कहलाएगा. और डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक वेक्टर
कि मल्टीप्लीकेशन है दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन से जो उस वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली जब हम ये बात करते हैं तो आपके पास b ऑन टू a यानी कि b का प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है a वेक्टर से, या a ऑन टू b इसका मतलब है a का प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर b से। सो a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, यानी कि अब जब इसका रिजल्टेंट हम देखेंगे तो दोनों सूरतों में आपके पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, और मैग्नीट्यूड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं कि a डॉट b विल इक्वल टू b डॉट a, यानी कि a डॉट b जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा वो ही b डॉट a का मैग्नीट्यूड होगा। हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज प्रूफ। यहां पर आके आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू वेक्टर प्रूव हो जाती है। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी और अ क्वांटिटी व्हिच मस्ट हैव एनी डायरेक्शन देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग मल्टीप्लाई और क्रॉस साइन बिटवीन टू वेक्टर्स एज ए क्रॉस बी, therefore it is also called cross product. According to this diagram you can see that if we have two vectors a and b and we multiply two vectors like a cross b, then the resultant or the resultant vector or the direction of resultant vector will be in upward direction, and if we multiply b cross a or multiply two vector in the form of b cross a, then the resultant or the direction of resultant vector will be in opposite direction which is in downward direction. yani ki hum keh sakte hain ki agar a cross b kiya ja raha hai to a vector aur b vector ka jo multiplication aayegi jo ki ek naya vector generate ho raha hai uski direction upward direction mein hai, aur agar isi cheez ko main reverse karta hu b cross a karke to direction of resultant vector bhi reverse ho jayegi और वो हो जाएगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि हम डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों वेक्टर्स की या वेक्टर प्रोडक्ट की कभी भी बराबर नहीं आ सकती। By the definition, a cross b is equals to ab sin theta with unit vector n. इसका मतलब ये हुआ कि a cross b basically multiplication है एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट की, यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक है वेक्टर a, दूसरा है वेक्टर b, तो a cross b का मतलब है a वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है b वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट से जो कि b sin theta के बराबर है, और यहाँ पर जो n यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन को जो इन दोनों वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से जनरेट होगा या रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। नाउ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b व्हिच इज इक्वल्स टू ab sin theta विद यूनिट वेक्टर n gives the area of the plane determined by a and b. The unit vectors a give the direction of the area of the plane. According to the definition you can see that if we have two vectors a and b and we multiply these vector in cross product or vector product, we get the area of that vector ke wo उस उन दोनों वेक्टर्स का जो एरिया आएगा कंबाइंड वो क्या होगा, एंड यूनिट वेक्टर एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेन और दैट एरिया, और उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन या उस एरिया के प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो हमें ए क्रॉस बी से मिल सकती है, और उसको शो करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स r cross f and angular momentum r cross p.
यानी कि हमारे पास अगर हम एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वो आपके पास दो आ जाती हैं, आर क्रॉस एफ यानी कि टॉर्क, और दूसरा आपके पास आता है एंगुलर मोमेंटम जो कि आर क्रॉस पी के बराबर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन The turning effect produced in a body about a fixed point due to an applied force is called torque or moment of force, or the vector product of the radius vector from the axis of rotation to the point of application of the force and the force vector. Yani ke turning effect of force hum simple words mein keh sakte hain, ya hum ye keh sakte hain ki aapke paas kisi bhi body jo ki ek fixed point pe rotate kar rahi ho applied force ki wajah se इस तरह की कंडीशन को हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट के लिहाज से तो हम सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, वन इज फोर्स एंड अदर इज मोमेंट आर्म और द रेडियस वेक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास जिस क्वांटिटी को जनरेट करेगी वो क्वांटिटी आपके पास टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगी। इफ You can see in this diagram, here is a spanner which is moving in rotation or which is used to open a nut in rotating condition. So we apply a force on that spanner or a point on that spanner and multiply this force with the moment arm of that spanner, which is initially start from the nut towards and moving towards the point of applied force. यानि कि आपके पास यहाँ पर जो एक स्पैनर की एग्जाम्पल दी गई है उसको अगर आप देखें तो नट से लेके उस स्पैनर तक के उस हैंडल पॉइंट तक जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये आपके पास एक मोमेंट आर्म है या ये वो रेडियस वेक्टर है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानि हम कह सकते हैं कि इस रेडियस वेक्टर और इस फोर्स की मल्टीप्लीकेशन इस स्पैनर को रोटेट करवा रही है जिसकी वजह से इस स्पैनर के अंदर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। मैथमेटिकली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन दिस फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल्स टू एल एफ, एल इज द मोमेंट आर्म एंड एफ इज द फोर्स एंड टॉ इट इज द सिंबल ऑफ टॉर्क इन ग्रीक डोनेशन, where I is equals to perpendicular distance or L is equals to perpendicular distance and F is equals to magnitude of applied force. Now the factor on which torque is depends, number one magnitude of force, यानी कि जितनी force आप apply कर रहे हैं torque उस पर depend करेगा, and number two perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force called मोमेंट आर्म, यानी कि उस मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके एक्शन ऑफ फोर्स तक का, यानी जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहां देख सकते हैं तो यहां पे दो तरह के टॉर्क आपके पास मौजूद हैं, एक पॉजिटिव टॉर्क एंड नेगेटिव टॉर्क। पॉजिटिव टॉर्क इज दैट व्हेन अ बॉडी रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव टॉर्क, एंड व्हेन द बॉडी rotates in clockwise direction then it is called negative torque. Unit of torque, the SI unit of torque is Newton meter and its dimension is ml square t minus 2. Examples, tightening of a nut with a spanner, a seesaw rotate on and off to the ground due to the torque imbalance. Yani aapke paas agar hum example of torque dekhen बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से दो आपके पास यहाँ पे मैंने लिखी हैं। फर्स्ट टाइटनिंग ऑफ नट विद अ स्पैनर, यानी स्पैनर की मदद से किसी भी नट को टाइट करना, और दूसरा आपके पास सीसॉ जिसमें आपके पास दोनों तरफ के टॉर्क्स नजर आ रहे होते हैं, यानी क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, जो कि ग्राउंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। नाउ फोर्स टॉर्क एनालॉजी, just as force determines the linear acceleration produced in a body, the torque acting on a body determines its angular acceleration. jaisa ki force aapke paas batati hai linear acceleration ko jo ki kisi bhi body mein due to the force generate hoti hai, similarly
टॉर्क अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है या टॉर्क अगर किसी बॉडी में जनरेट हो रहा है तो वो डिटरमाइन करेगा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स। टॉर्क हम कह सकते हैं कि फोर्स की रोटेशनल एनालॉगी है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इन रोटेशनल डायरेक्शन तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी जगह पे वेलोसिटी मौजूद है तो वहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इन दिस केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी जीरो। इस केस के अंदर आपके पास टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। टॉर्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। हियर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क विल बी जीरो। अगर अल्फा आपके पास जीरो है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो रही है तो आपके पास टॉर्क भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऐसी बॉडी की एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो याद रखिएगा वो हरगिज 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 टॉर्क नहीं है, क्योंकि वहां पर टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा। हाँ, अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आ रहा है, और फोर्स आने का मतलब ये है कि वहां पर उसकी जो मूवमेंट होगी वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में होगी। नाउ टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। Consider this diagram. In this diagram, we have a spanner and a force which is approximately 45 degree with the handle of the spanner applied on it. यानी कि आपके पास एक spanner given है जिसके ऊपर एक force apply हो रही है जो कि 45 degree का angle बना रही है उस spanner के handle यानी कि उस moment arm से। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा component है जो कि इस स्पेनर को मूव करवा सकता है इन अ सर्कुलर वे और रोटेट करवा सकता है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस और जनरेट करे वो मैक्सिमम टॉर्क को। नाउ वी डिवाइड दिस वेक्टर ऑफ फोर्स इन इट्स कंपोनेंट। वन इज वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच इज मेंशन हियर बाय FY व्हिच इज इक्वल्स टू F sin theta एंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज मेंशन बाय FX व्हिच इज इक्वल्स टू F cos theta with green line. Now here the maximum torque will be generated by the vertical component of the force because it is perpendicular to the moment arm or perpendicularly applied to the moment arm, and we know that the torque is the vector product between two vectors, or in vector product one component will be perpendicular component of any vector between two vectors which are multiplied with each other. Thus torque is equals to rf sin theta. When f is acting perpendicularly then it is completely effective to produce turning effect. Torque is equals to rf sin 90 degree. rf becomes maximum or torque become maximum. Yani ke agar aapke paas sin 90 डिग्री के एंगल को यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम अप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के ऊपर तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा उस सूरत में, और ये स्पिनर कंप्लीटली टर्न करना शुरू कर देगा आसानी के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड RF sin 0 degree equals to 0, और अगर हम इसी वैल्यू को 0 degree यानी कि parallel condition में ले जाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो टॉर्क होगा वो मिनिमम या 0 हो जाएगा। Vector representation of the torque will be torque is equals to R cross F or RF sin theta with unit vector N. Now moment of a couple or couple according to the definition it is defined as
two parallel forces that have the same magnitude but opposite directions and are separated by a distance x. यानी कि दो parallel forces जो कि दो different points के ऊपर act कर रही हैं, जिनका magnitude same है, और ये दोनों forces some distance x के साथ separate की गई हैं, तो इस तरह के condition को हम couple का नाम देते हैं. Now our next topic is equilibrium. When all the forces that act upon an object are balanced, then the object is said to be in a state of equilibrium. अगर किसी भी object के ऊपर apply होने वाली तमाम की तमाम forces balanced condition के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि वो body जो है, वो आपके पास equilibrium state के अंदर मौजूद है. जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके पास दो कार्स दोनों के ऊपर दोनों के वेट सेम है, यानी कि दोनों पे जो वेट फोर्स एक्ट कर रही है वो सेम है, तो ये बैलेंस है. लेकिन जैसे ही दूसरी कार उस पे आती है, पहली वाली कार पे, येलो कार पे, तो आप देख रहे हैं कि एक अनबैलेंस कंडीशन शुरू हो जाती जनरेट हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कि ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट से मूव कर चुका है. इन एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, देन द फोर्स आर बैलेंस्ड. Balanced is the key word that is used to describe equilibrium situation. Thus, the net force is zero and acceleration is 0 meter per second. This is your key point कि अगर किसी body के अंदर acceleration generate हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ equilibrium state नहीं है. या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर तमाम की तमाम forces जो किसी body के ऊपर act कर रही हैं, अगर उनका net sum zero के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पर बैलेंस की कंडीशन आ गई है, यानी कि वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट मौजूद है. अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन. अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो कोई भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो या कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो. और दूसरी तरफ if we talk about the rotational equilibrium, then body is at rest or moving with constant speed or angular speed in a fixed axis. तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास rotational equilibrium generate करेगा. Now, types of equilibrium. There are two types of equilibrium. One is static equilibrium. Second is dynamic equilibrium. If we talk about static equilibrium, if a body is at rest, अगर कोई body rest में है, for example, book lie on a table, bulb hanging from a ceiling. Similarly, for the dynamic equilibrium, if a body is moving with constant velocity, अगर कोई body constant velocity से move कर रही, यानी moving condition में है, इस तरह की condition को हम dynamic equilibrium कहेंगे. For example, a paratrooper falling down with constant velocity, a car moving with uniform linear velocity. Now, concurrent forces. According to the definition, the forces acting on a same point are known as concurrent forces. If the number of forces acting on a body produces zero resultant force, then these forces are said to be in equilibrium. Concurrent forces का मतलब है आपके पास अगर बहुत सारी forces एक ही point पर act कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो concurrent forces हैं, और अगर उनका resultant जीरो जनरेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि तमाम के तमाम कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉडी है जिस पे तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एक ही पॉइंट ओ के ऊपर, तो ये कंकरेंट फोर्सेस हैं. और अगर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट इस बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में ले आता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट करना शुरू कर देती है, तो हम ये कहेंगे कि तीनों फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. Coplanar and concurrent forces. When all forces are acting in the same plane, they are called coplanar. Whereas when forces act at the same time and at the same point, they are called concurrent forces. Coplanar forces or concurrent forces के अंदर difference क्या है कि अगर आपके पास coplanar forces की बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक ही plane के ऊपर तमाम की तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगी. और अगर आपके पास फोर्सेस एक ही वक्त में एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो इस तरह की फोर्सेस को
कंकरेंट फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। नाउ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम फॉलोइंग टू कंडीशन नेसेसरी टू बी सेटिस्फाइड, वन इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड अदर इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास किसी भी बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आना है या उसको स्टेट उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज करनी है तो हमें ये दो कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम। अगर तमाम के तमाम फोर्सेस जो कि एक्ट कर रही हैं उस बॉडी के ऊपर वो इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपके पास ऐसी कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो और वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। नाउ फॉर द सेकंड कंडीशन इफ इट स्टेट्स दैट इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि तमाम के तमाम टॉर्क्स चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं अगर सबका सम इक्वल टू जीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद है, यानी कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू जीरो और सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू जीरो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, sum of clockwise moment or torque equals to sum of anti-clockwise moment or torque. Although first condition of equilibrium is satisfied, yet it may rotate in the anti-clockwise direction. In all such cases where the forces are applicable on a body in such a way that they may cause a torque in a body, then equilibrium is checked by applying second condition of equilibrium. Now we are in position to state the complete requirement for a body to be in equilibrium, which are sum of all forces equal to zero, sum of all forces in x-axis and sum of all forces in y-axis equals to zero, and sum of all torques, either it is clockwise or anti-clockwise, equal to zero. For body to be in complete equilibrium, both the condition must be satisfied. Both linear and angular acceleration must be zero. यानी कि अगर हम principle of equilibrium की बात करें, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास clockwise torque या आपके पास anti-clockwise torque का sum zero के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि clockwise torque का भी sum zero के बराबर आएगा, या अगर clockwise torque का sum zero के बराबर है, तो anti-clockwise torque का sum भी आपके पास zero के ही बराबर आएगा। या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस अगर वो जीरो हैं तो लाजमी सी बात है कि वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो नहीं होंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट नहीं होगी।